प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय मित्र दोस्त, आप हमारे लिए दुआ करते हैं, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, मैं ऐसा विश्वास रख रहा हूं। और आप कमेंट लिखकर हमें ये जाहिर करेंगे कि आपने वचन को सीखा है। प्रियो, पिछले 4 अध्याय से हम सीख रहे थे और उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगा ताकि वो 4 अध्याय भी आप अच्छे से देख पाए। और ये आज का वचन जो हमने लिया है मरकुस की किताब और उसका 5 अध्याय, और यहाँ पर 1 पद से लेकर कुछ पदों को हम देखेंगे। और यहाँ पर एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति की कहानी को हम देखते हैं। प्रियो, ये गिरासेनियों के देश में पहुंचे हैं, झील के उस पार। और अगर हम अध्याय को जोड़ते हैं तो वहां पर आंधी तूफान सहन करते हुए, चेलों को सिखाते हुए, चेले उस तूफान में घिरे हुए थे। जब आंधी पानी उसकी आज्ञा को मानते हैं, यीशु मसीह ने आंधी पानी तूफान को डांटा था और सब कुछ शांत हो गया था। चेले लोग यहां तक कह रहे थे कि ये कौन है, ये प्रभु तो है, ये लोगों को चंगाइयां तो देता है, उपदेश भी देता है, पर आंधी किसकी आवाज सुनती है, पानी को कुछ कहने से क्या वो मान लेता है। तो ये अचंभित थे और ये आपस में सुन रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे और ये बहुत ज्यादा चकित थे इस बात के लिए। और अभी एक और चकित करने वाली बात है कि जब एक व्यक्ति को ये देखते हैं, दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को, और वो गिरासेनियों के देश में है, जब ये पार पहुंचे आंधी तूफान को सहन करते हुए, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए और अपने चेलों को बचाते हुए इस देश में पहुंचकर इस व्यक्ति को देखता है। और यहां पर लिखा है वो झील के पार उस देश में पहुंचे, गिरासेनियों के देश में। जब वह नाव पर से उतरा था तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी उससे मिला, या से कहेंगे कब्रों से निकला और उसे मिला, जिसमें एक दुष्टात्मा थी व्यक्ति के अंदर, वो तुरंत निकला और यीशु से मिला। और अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और उसके बारे में बताया जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था, वो किस प्रकार से जंगलों में रहा करता था। बताया जाता है कि वो कब्रों में रहा करता था। कहां पर? कब्रों में। आज कब्रों के पास से जाते हुए रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, तो आपको बुखार चढ़ जाएगा और आप कहेंगे वो वहां से निकला था, मैं कब्रिस्तान के पास से गया था इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन ये व्यक्ति कब्रों में रहा करता है और कब्रों में इसका घर बन गया है। कब्र के उन दुष्टात्माओं ने, जो दुष्टात्माएं होती हैं, उन्होंने इसके अंदर घर बना दिया है और साथ में ये इकट्ठे रहते हैं और कब्रों में रहा करता, ऐसे लिखा है। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सका था, सांकलों से, रस्सों से इसे कोई नहीं बांध सकता था, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये इसकी खुद की पावर नहीं थी, ये अकेला नहीं था, इसके अंदर दुष्टात्मा ही थी। और जो यीशु मसीह से मिला और तुरंत निकलकर बाहर आया और चिल्लाकर बोलने भी लगा, उसके बारे में बताया जाता है कि ये कब्रों में रहने वाला व्यक्ति है और सांकलों से भी बांधा जाता है, फिर भी काबू में नहीं आता है और सांकलों को भी तोड़ देता है, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को भी तोड़ दिया और उनके टुकड़े टुकड़े, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि कोई उसे वश में नहीं ला सकता था, किसी के वश में आता भी नहीं था। पूरे गिरासेनियों के देशवासियों ने इस व्यक्ति को काबू में लाने के लिए बड़ी बड़ी सांकलों का, बड़ी बड़ी रस्सियों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया कि इस व्यक्ति को बांध ले और ये नुकसान ना करे, ना अपना ना दूसरों का, पर इसे कोई भी वश में नहीं ला सका। एक प्रभु यीशु मसीह शिष्य को बचाते हुए, नाव के तूफान को डांटते हुए, पानी को शांत करते हुए यहाँ पर पहुंचा है गिरासेनियों के देश में। और यहाँ इस व्यक्ति की जो बताया जाता है कि कोई इसे वश में नहीं ला सकता, बहुत सी बातें आपके वश में नहीं है, बहुत सी बातें संसार के लोगों के वश में नहीं,
और आपके वश में परमेश्वर बहुत सी बातें दी है प्रियो, दुष्ट आत्माओं पर आपका अधिकार है। और यीशु मसीह के बातों से आपको पता चलेगा कि ये वचन से पता चलेगा कि बहुत से लोग इसे वश में नहीं ला सके, क्योंकि बांध बांध कर इसने इन लोगों ने कोशिश की। वो रस्सियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, सांकलों को तोड़ देता था जो इतनी मजबूत होती थी। मजबूत होने पर भी अगर सांकले एक दुष्ट आत्मा के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा टूट रही है, तो इसे बांधेगा कौन, इसे काबू में कौन करेगा। एक बड़ी भीड़ को छोड़ते हुए, तूफानों से लड़ते हुए, चेलों को बचाते हुए और नाव को भी बचाते हुए, भीड़ के साथ और चेलों के साथ ये यहाँ पर पहुंच गया है। और एक व्यक्ति पूरी दुष्ट आत्माओं से भरी हुई बॉडी में, एक व्यक्ति जिसका दुष्ट आत्मा भरी हुई है, सेना समाई है, वो व्यक्ति इससे मिलता है। और इस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह घर से इन्हीं में पहुंच गए। और इस दशा, इस व्यक्ति की दशा को आपको मैंने बताया है कि सांकले भी इसका कुछ नहीं कर सकते। सब लोगों ने इसमें वश में करने की कोशिश की, किसी कोई भी इसे वश में नहीं कर सकता था। एक प्रभु जो वश में कर सकता है, उसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। अगर आज तक कोई आपके उन चीजों को वश में नहीं कर पाए, या आप खुद अपने उन परिस्थितियों को अपने वश में नहीं कर पाए, तो आज आपका प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपकी उन सारी परिस्थितियों को ठीक करेगा और अपने वश में करेगा। वो कर देगा, वो प्रभु है, वो यीशु मसीह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे बढ़ेंगे। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। सोचिए, रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता रहता था और पत्थरों से, कहीं से खरीद के नहीं लाता, कहीं से उठाता नहीं, पत्थर पास में है, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। क्योंकि उसके अंदर एक हो तो पता चले, लाखों लोग दुष्टात्मा उसके अंदर पड़ी है, सेना कहते हैं जिसको, टुकड़ी, एक सेना के टुकड़ा उसके अंदर है, वो आपस में लड़ते हैं। और नुकसान किसका, नुकसान इस व्यक्ति का, ये पत्थर उठाता और अपने आप को घायल करता, क्योंकि इसके अंदर एक व्यक्ति नहीं है, एक दुष्टात्मा नहीं है, हजारों दुष्टात्मा है। जब कहते हैं कमरे में 10 लोग रहने लग जाए ना, 10x10 के कमरे में, तो उस कमरे की दशा बिगड़ जाएगी, वो कमरा, कमरे के हालात बिगड़ जाएंगे, कमरे में रहने वाले लोगों को पसीने आ जाएंगे, उनको गोमस हो जाएगी उस कमरे के अंदर, और वो सांस नहीं ले पाएंगे और बदबू और स्मेल हो जाएगी। और इस व्यक्ति के हालात ऐसे ही हैं, ये अपने आप को घायल करता है, अंदर की चीजें अंदर ही अंदर लड़ रही है और इसे मारती है, इसे घायल करती है। कहते कि पत्थरों से घायल करता था, वह यीशु को दूर ही से देखकर, यीशु को दूर ही से देखकर उसे प्रणाम किया और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे गुरु, हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे। यही तो दुख की बात है। शैतान, दुष्टात्माएं यीशु को पहचानती हैं और उसे कह रही हैं, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। फिर दुष्टात्मा को अगर प्रभु से कोई काम नहीं है तो फिर किससे है, सोचिए। फिर से पढ़ता हूं, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे कुछ भी काम नहीं, मुझे तुझसे क्या काम, दुष्ट आत्मा को क्या काम परमेश्वर के पुत्र से। और आप यही बात कहें, अगर आप परमेश्वर के भवन से और परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं कर रहे, तो आप भी यही कह रहे हैं, मुझे आपसे क्या काम, मुझे पास्टर से क्या काम, मुझे विश्वासियों से क्या काम, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तो ये बात किसने कही, मुझे आपसे क्या काम, मुझे आपसे क्या काम, इसका मतलब दुष्ट आत्मा ने कही। और दुष्ट आत्मा आपसे कहलवा रही है कि मुझे आपसे क्या काम। बहुत से विश्वासी अपने पासवान को कहते हैं, मुझे आपसे क्या काम, यीशु से कहते हैं, मुझे आपसे क्या काम। तो आप नहीं कह रहे, आपके अंदर बैठी हुई दुष्ट आत्मा ये बात कह रही है, मुझे आपसे क्या काम। क्योंकि यहां पर लिखा है, हे परम प्रधान यीशु के, परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की कसम दिलाकर कहता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। यीशु को देखते ही
शैतान को पीड़ा होती है। अगर एक विश्वासी को पास्टर देखते ही उसे पीड़ा होती है, अगर पास्टर को देखते ही मेरे भाई मेरी बहन आपको पीड़ा होती है, तो याद रखना आपके अंदर कोई तो है। और कौन है जिसे पीड़ा हो रही है, जो पीड़ा दे रहा है, वो दुष्ट आत्मा है। अगर आपको पास्टर के देखने पर, पास्टर के सुनने पर, अपने प्रभु के दास के देखने पर, प्रभु के दास को जयमसी ना करना या उसे देखने पर आपको क्रोध आ रहा है ना, तो आपके अंदर कोई है, वो है दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर से मिलने नहीं दे रही है, दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर के दास से बात करने नहीं दे रही है, दुष्ट आत्मा आपको आराधनालय में जाने नहीं दे रही है। क्योंकि यहां लिखा कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि दुष्ट आत्मा को परमेश्वर के पुत्र से कोई काम नहीं है। पर एक विश्वासी का तो काम है, एक अच्छे जन का काम है, संसार के उन लोगों को जो छुटकारा पाना चाहते हैं उनको परमेश्वर से काम है। आपको काम है या नहीं है आप सोचिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा को परमेश्वर के पुत्र से कोई काम नहीं है। पर क्या आपको भी नहीं है? क्या आपके सारे काम पूरे हो गए हैं? क्या आपने परमेश्वर के लोगों को से धोखा करके वो सारी चीजें ले ली है इसलिए आपको कोई काम नहीं रहा? आपके आपके सारे काम बन गए हैं इसलिए आपको कोई काम नहीं रहा? पर याद रखना, ये शब्द आपके अंदर से तब निकलता है जब आपके अंदर दुष्ट आत्मा बैठी हो कि मुझे चर्च से क्या काम, मुझे चर्च के लोगों से क्या काम। याद रखना, इस वचन को पढ़ना, मरकुस 5 अध्याय और उसका 7 पद ध्यान से पढ़ना। मेरी बहन आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई आपसे कह रहा हूं, मेरे जवान मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी कहेंगे कि मुझे चर्च से क्या काम, मैं तो जवान हूं, मैं तो यंग हूं, मैं तो बोल्ड लेडी हूं, बोल्ड मैन हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी ताकत से लड़ लेंगे। ये दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति इस चिल्लाकर कहता है हमें पीड़ा ना दे, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पीड़ा होती है। एक पास्टर को देखते हो जब आपको अगर पीड़ा होती तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा को पीड़ा हो रही है। याद रखना, इस पीड़ा से बचने का एक ही तरीका है, उस दुष्ट आत्मा को निकालने का मौका दो, अपने पासवान को, वचन को, परमेश्वर को मौका दो, यीशु मसीह को मौका दो कि आपकी दुष्टात्मा को निकाल दे और आप उसे पीड़ा दो और आपको फिर पीड़ा नहीं होगी, आप अपने आप को घायल नहीं करोगे, आपको दुनिया के लोग तांत्रिक वात्रिक जादूगर काबू में करने की कोशिश करेंगे पर कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था, जैसे इस व्यक्ति के बारे में लिखा है। आप भी, आपको शायद आज कोई काबू नहीं कर रहा होगा, दुष्टात्मा ने आपको काबू कर लिया है और आप अपने आप को घायल कर रहे हैं और आपकी दशा बिगड़ती जा रही है और एक दिन बिल्कुल आपका बर्बादी का दिन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इन बातों से, इस वचन से सीखिए कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों मैं ये वीडियो देख नहीं पा रहा हूं, क्यों मेरे ये वीडियो देखते हुए मेरे अंदर आग लग रही है, क्यों मेरे अंदर ये गर्माहट आ रही है, क्यों मुझे घबराहट आ रही है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है ये वीडियो देखते हुए। तो शैतान आपके अंदर बैठा हुआ है और शैतान को ये बातें बुरी लग रही है कि क्यों ये वीडियो देख रहा है, और वो इस वीडियो को बीच में ही बंद करा देगा और आप इस वीडियो को आगे कर दोगे, स्किप कर दोगे और कोई और वीडियो देखने लग जाओगे और आपकी लालसा और आपके बातों के अनुसार वीडियो शैतान आपके सामने ले आएगा। पर ये वीडियो परमेश्वर आपके सामने लेकर आए प्रियो, इसको बंद ना करें, क्योंकि शैतान को पीड़ा हो रही है। देखने वाले व्यक्ति के अंदर जो बैठी दुष्ट आत्मा, उससे पीड़ा होती है, उसे कष्ट हो रहा है। और आपका कष्ट दूर करने के लिए मैं परमेश्वर दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये 2 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में आता हूं, जिस प्रकार शैतान को पीड़ा हो रही थी, शैतान कह रहा था कि मुझे तुझसे क्या काम, शैतान दुष्ट आत्मा कह रही थी कि मुझे पीड़ा ना दे, आज मैं शैतान को यीशु मसीह के नाम में पीड़ा देता हूं और उसे हुक्म देता हूं, इन लोगों के बीच में से यीशु के नाम में निकल जाओ, हर एक गंदी बीमारी देने वाली दुष्ट आत्मा इन लोगों के बीच से यीशु मसीह के नाम से गिरो, और ये लोग यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त प्रभु ने छू यीशु के नाम में, पिता ने छू कर चंगाई दे, तेरे हाथ में स्वतः प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने आपको छुआ है और आपको आशीष दी है, आपको चंगाई दी है, आप हृदय में शांति पाएंगे इन वचनों के द्वारा। आप मुझे इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन में नए बात के साथ, तब तक के लिए आप प्रभु में बने रहे। जय मसीह की।